होगा हिंदुस्तान क्या गलती कर रहा है। आप लोगों का मुख्य अनाज क्या है भारत का? भारत का मुख्य अनाज क्या है? गेहूं और अच्छा जो गेहूं अब हम खाते हैं, क्या आज से 40-50 साल पहले यही गेहूं होती थी क्या? इतनी ऊंची ऊंची गेहूं होती थी, बंदा छुप जाता था उसके अंदर, जैसे गन्ने के खेत होते हैं। आजकल की गेहूं कितनी होती है? तो ये गेहूं क्या है? हाइब्रिड करते 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 स्प्रे डाल डाल के इसको खत्म कर दिया। ऐसे ही चावल का हाल किया। तो गेहूं और चावल ये दोनों नेगेटिव ग्रेन्स हैं। परहेज करोगे तो भी ठीक नहीं होगे, क्योंकि आप वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो जिसकी वजह से ही हॉस्पिटलों में भीड़ बढ़ रही है। आप लोग सब्जी खाते हो, दाल खाते हो, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती जो सुधारनी बहुत जरूरी है कि आप लोग जो भी खाते हो जल्दबाजी में खाते हो। सारा का सारा खेल मन से खाने का और खाने को चबाने का है। आपने खाने को चबाने में जितनी ज्यादा देर लगाओगे उतनी बीमारी ठीक होती चली जाएगी। मतलब आप अगर गलत चीज भी खाना चाहते हो तो उसको भी कम खा लो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? फास्ट फूड हल्का खाया ही नहीं जाता। मैगी एक एक को कैसे लपेटोगे? खूब सारी लिपटेंगी। अच्छा बर्गर है, अगर आपने छोटी बाइट खाई कभी टिक्की रह जाएगी, कभी टमाटर रह जाएगा, कभी खीरा बाहर रह जाएगा, टेस्ट कैसे आएगा? जब मैंने पहली बार लाइफ में नाम सुना था हॉट डॉग, मैंने ऐसे करके कहा, मैं कुत्ता भून के तेरा, कहता नहीं नाम हॉट डॉग है उसका, क्योंकि फर्स्ट टाइम शायद मैं 13-14 साल का था पहली बार हॉट डॉग कहीं 10 रुपए का इतना बड़ा लेके कहीं खाया था। उसमें बीच में इतना, पहली बार जब हॉट डॉग देखा तो मेरे को जब बोला हॉट डॉग खाओगे क्या, तो नाम में क्या मतलब क्या निकल रहा था उसका, कि कुत्ता मिल रहा है भुना हुआ आपको। तो फिर नाम भी ऐसे ऐसे रखे उन लोगों ने कि खाने वाले भी वैसे और हम भी वैसे, है ना। तो फास्ट फूड आप छोटी बाइट खा ही नहीं सकते। पॉसिबल है फास्ट फूड? अच्छा आज के डेट में घर पे सबसे बड़ी चीज जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों की एक और बहुत बड़ी है, वो दूध वाली चाय। सिर दुखता है वरना, कितने दिन दुखता है? 2 या मैक्सिमम 3। बाकी आप देखो, अगर आपको लगता है दूध वाली चाय पीने के कोई फायदे है तो हम अलाउड कर देते हैं। लगता है कोई फायदा, उसमें कोई न्यूट्रिशन होता होगा? अच्छा कभी सोचा है कि ऐसे पत्ती डाली और रंग छोड़ देती है, वो रंग क्या होता है? वो क्या पत्तियों में इतना रंग होता है जो उसमें आ जाता है? और आप लोग कहते हैं ये पत्ती बहुत बढ़िया, थोड़ी सी डालो तो भी रंग देती है। बहुत कई बार खुश होते हैं हम कि ये पत्ती बड़ी बढ़िया आई, पहले वाली इतनी सारी डालनी पड़ी, इतनी डालो रंग आ जाता है। कभी सोचा वो रंग क्या है? दुपट्टे रंगने वाला रंग, और क्या क्या डाला हुआ उसके अंदर, पता है कि नहीं पता? केमिकल है। और क्या कुछ मालूम है किसी को? जितनी भी गाय भैंसे कटती हैं उनका खून कहा जाता है? गाय भैंसे कटती है ना, जो उनको खून निकाल के सुखा लेते हैं। कहां कहां डलता है मालूम है आपको? नेल पॉलिश में, लिपस्टिक में, और चाय पत्ती में, और भी कई चीजों में डलता है जहां जहां रंग चाहिए होता है। और आप लोग सोचते हैं तो व्रत है, लिपस्टिक तो लगा ही लूं, गई गाय अंदर। हाँ, और व्रत में तो भारत में चाय तो व्रत में अलाउड है। हाँ जी, व्रत में चाय अलाउड है? व्रत में चाय अलाउड है, गाय का खून अलाउड है। मतलब बस मैं आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आज कोई नियम बनाना है जिंदगी का तो एक नियम बना लो कि जो भी खाना है उसको पानी की तरह करना है। मतलब खाने को पीना है और पानी को चबाना है, बस ये रूल याद रख लो। और जब भी कुछ खाना है पहले बड़ी प्लेट सैलेड फ्रूट खाना है, बस सैलेड खाओ या फ्रूट खाओ पहले खाना है। आप लोग क्या गलती करते आ रहे हो आज तक? खाने के साथ खाते हो और फ्रूट खाने के बाद काटते हो। 90% हमने भी, जब तक हमें समझ नहीं थी, हमें आम रोटी खाने के बाद मिलता था मिठाई स्वीट, हमें भी यही पता था एक्चुअल में। जब तक हमने इसको स्टडी नहीं किया था, जब तक हमने लोगों की शुगर रिवर्स नहीं देखी थी, तो तब तक हम भी यही गलती करते थे। और खीरा टमाटर हम क्या करते थे? एक रोटी की नहीं खाई, एक खीरा खा लिया, फिर एक बाइट खाई, एक प्याज खा लिया, ऐसे ही करते थे। और फ्रूट हम खाना खाने के बाद खाते थे। शादियों में कई बार शायद हम पहले प्लेट ले लेते थे फ्रूट की,
क्योंकि वो इंपोर्टेड फ्रूट होते थे, घर पे तो मिलते नहीं थे वैसे। हाँ बिल्कुल ठीक। तो ये कई जगह पे गलत कंसेप्ट चल पड़े। तो अब सही कंसेप्ट क्या है कि जब भी खाना खाना है, रोटी चावल खिचड़ी दलिया ये सब, जब भी कुछ भी खाना है इस तरह की चीज, जो भी अनाज है, उनसे पहले क्या खाना है? अगर दोपहर या रात का टाइम है तो सैलेड ज्यादा, फ्रूट कम, और नाश्ते में फ्रूट ज्यादा। तो कोई भी बीमारी कभी लाइफ में आएगी नहीं, और जो बीमारी आई हुई है वो अपने आप ही रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी। तो कर लोगे आज के बाद? तो क्या करना है? छोटी छोटी बाइट खानी है, चबा चबा के खानी है, आराम आराम से खाना खाना है, खाना खाने में टाइम लगाना है। हमारे घर में गलती क्या होती है, हम खाना खाने में टाइम कम लगाते हैं, जल्दबाजी में खाना खाते हैं, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, पेपर है, या फास्ट फूड खा के हमें आदत पड़ गई फास्ट खाने की।